ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कोरोना वैक्सीन देने में अमेरिका से आगे निकला भारत, विश्व में पहले नंबर पर पहुंचा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया डेटा। नहीं थम रही पेट्रोल डीजल की कीमतें, आज पेट्रोल में 35 पैसे तो डीजल में 28 पैसे का इजाफा। यूपी में 8 जुलाई तक नहीं बढ़ेगी बिजली की कीमतें। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रैफिक बदलने के प्रस्ताव पर लगाई रोक। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में नामांकन वापसी का आज आखिरी दिन, कई सीटों पर बीजेपी की निर्विरोध जीत तय। भारत के गलत नक्शे के मामले में ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी की बड़ी मुश्किलें, केस हुआ दर्ज। तो खबरों की शुरुआत करते हैं कानपुर देहात में। डीएम ने मुख्य विकास अधिकारी के साथ वैक्सीनेशन को लेकर अहम बैठक की। इस बैठक में वैक्सीनेशन को आगे बढ़ाने पर चर्चा की गई। इस दौरान डीएम ने कहा कि हमें व्यापक नीति बनाने की आवश्यकता है, जो टीमें वैक्सीनेशन के लिए चल रही हैं और उन्हें और सक्रिय करने की आवश्यकता है। आगे तीसरी लहर की तैयारियों के संबंध में जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि ऑक्सीजन प्लांट लगाने के काम को जल्द पूरा कर लिया जाए। जानकारी दी गई कि अभी तक 26,000 से ज्यादा मजदूरों का डाटा की फंडिंग हो चुकी है। इसी के साथ कहा गया है कि कुपोषित बच्चों का विवरण प्रतिदिन उपलब्ध कराया जाए ताकि उन बच्चों की हर संभव मदद की जाए। जौनपुर के मछली शहर तहसील परिसर में जमीनी विवाद में जमकर हंगामा हुआ। दो महिलाओं के साथ एक युवक ने जमीन को लेकर तहसील परिसर में प्रदर्शन शुरू कर दिया है। परिसर में प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही तहसीलदार मौके पर पहुंच गए और हंगामा करने वालों को शांत कराते हुए उन्होंने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद एसडीएम अंजनी कुमार सिंह ने मौके पर पुलिस भेजकर जमीन के मामले में फौरन एक्शन लिया। जमीन पर हो रहे निर्माण कार्य को रोकने के बाद प्रदर्शन करने वाले वापस अपने घर चले गए। आज यहाँ तहसील मछली शहर मुख्यालय पर कार्यालय पे कस्बे से दो महिलाएं और एक युवक आए थे और वो उनसे मिले नहीं थे, बाहर जो है धरना दे रहे थे। हम गए, उनसे वार्ता की, पता चला कि जो है भूमि विवाद का मामला है और वो चाह रहे थे कि मौके पर पहले तत्काल निर्माण कार्य रुकवा दिया जाए और उसके बाद जांच करा करके न्याय किया जाए। हमने तुरंत जिलाधिकारी महोदय से वार्ता किया और वहां बात करके निर्माण रुकवा दिया गया। अब जो प्रकरण की जांच की जा रही है। लखनऊ में चौक कोतवाली के पास शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के सदस्य वसीम रजवी की गाड़ी पर पत्थरबाजी हुई। जानकारी मिली कि काफिले में चल रहे सुरक्षा कर्मियों की गाड़ी पर चरक पैथोलॉजी के पास कुछ लोगों ने पथराव कर दिया। पथराव के दौरान गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। चौक पुलिस ने सुरक्षाकर्मी की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वसीम रजवी ने बताया कि वो सादतगंज यतीम खाना स्थित आवास से निषादगंज जा रहे थे। उनकी गाड़ी के साथ दो सुरक्षाकर्मी की गाड़ी थी। उनकी गाड़ी बीच में चल रही थी, पीछे स्कॉर्पियो थी। इस बीच चरक पैथोलॉजी के पास कुछ लोग झुंड में खड़े थे। पथराव से सुरक्षाकर्मियों की स्कॉर्पियो का आगे और पीछे का शीशा टूट गया, क्षतिग्रस्त हो गई। आप भी सुनिए वसीम रिजवी का ये बयान। चौक मंडी के पास मैं कहीं काम से जा रहा था तो मुसलमानों की एक भीड़ खड़ी थी, जिसमें से कुछ लोगों ने हमारी गाड़ी पर पत्थरबाजी की है, जिससे हमारे सुरक्षाकर्मी बाल बाल बचे हैं। मेरी गाड़ी के आगे पीछे के शीशे टूटे हैं। मैंने चौक कोतवाली में जाकर रायबरेली के मशहूर शायर मुनव्वर राना के बेटे तबरेज राना पर बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने हमला कर दिया। उनकी कार पर कई राउंड गोलियां चली। हमले में तबरेज बाल बाल बच गए लेकिन उनकी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। ताबड़तोड़ हुई फायरिंग और गोली की आवाज सुनकर आसपास में हड़कंप मच गया और लोग इकट्ठा हो गए। इसी बीच हमलावर मौके से भाग गए। पुलिस ने हमलावरों को पकड़ने के लिए नाकेबंदी की लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। इस मामले में 5 लोगों के खिलाफ थाने में तहरीर दी गई है। पुलिस ने सभी लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। भाई मेरा क्योंकि पिछले 2 दिनों से यहीं पर था, आज उसको लखनऊ वापस जाना था, तो वो यहाँ पर बहरहाल पेट्रोल डलवाने आया। आने के बाद उसके ऊपर जो है वो दो गोलियाँ चलाई गई,
जो उसने बताया है, अभी मुझे पूरी डिटेल्स नहीं मालूम क्योंकि हम लोग अभी पहुंचे हैं, कि दो अज्ञात लोग थे जो पूरी तरीके से मुंह को ढके हुए थे, एक हमला एक फायर किया फिर दूसरा फायर किया, गाड़ी पे गोली लगी और यही हम लोगों को पता चला। तो इसमें गाड़ी के लोग हैं, उन्होंने बुलवा करके मरवाना चाहा, उनमें खास तौर पे कि हमारे भतीजे जो हैं मोहसिन और ये जो यासर, ये दो खास एक्यूज हैं जिन्होंने बाहर से लड़के बुलवाए, असलाह बुलवाया और हमको भी मरवाने के लिए, कि मतलब ये बाकायदा बराबर ही धमकियाँ दी जा रही थी हमें भी, कि तुम रायबरेली में मत दिखाई देना। तुम जो एक बार आए भी तो मतलब दिन में चले भी गए, और ये है कि अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है, अभी उनमें से कुछ लोग अगर पुलिस अगर अपनी हरकत नहीं आएगी। आज थाना कोतवाली पर डायल 112 से एक सूचना आई कि मिस्टर तबरीज राणा है जो नीचे पेट्रोल भराने के लिए रतापुर के आगे पेट्रोल पंप है उस पर आए थे, और यहाँ दो अज्ञात सवार मोटरसाइकिल सवारों ने उनके गाड़ी पर फायर किया है। इस संबंध में तत्काल इंस्पेक्टर कोतवाली सीओसीटी और इंस्पेक्टर नीलेगा मौके पर पहुँचे और फॉरेंसिक टीम बुलाई गई और यहाँ पर आके जाँच की गई। यहाँ पर मिस्टर तबरीज राणा द्वारा एक लिखित तहरीर दी गई है जिसमें उन्होंने ये आरोप लगाया है कि वो प्रॉपर्टी के संबंध में यहाँ आते जाते रहते हैं और उनके चाचा और उनके कज़िन के द्वारा प्रॉपर्टी को लेकर ये घटना की जा सकती है, इस बात का उन्होंने संदेह किया है। और इस संबंध में तो वही इस खबर पर संवाददाता ओम शंकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम, मैं आपसे जाना चाहूंगी, बड़ी खबर है मुनव्वर राणा के बेटे पर फायरिंग हुई है, किन लोगों पर अभी तक फिलहाल शक गया है जिनके खिलाफ तहरीर दी गई है? देखिए, मुनव्वर राणा जी का पारिवारिक संपत्ति का विवाद चल रहा था। मुनव्वर राणा जी अपनी यहाँ के हिस्से की अपनी संपत्ति बेचकर लखनऊ शिफ्ट होना चाहते थे, उसी को लेके इनके घर में पारिवारिक तनाव बना हुआ था। कल सुबह इनका लड़का तबरेज राणा जो कि रायबरेली आया था उसी जमीन संबंधी लोगों से खरीद फरोख्त की बात करने के लिए, बात करने के बाद तबरेज राणा वापस लखनऊ जा रहे थे कि रतापुर चौराहे से जैसे ही आगे बढ़े हैं त्रिपुला चौराहे पर स्थित पेट्रोल टंकी के पास दो नकाबपोश मोटरसाइकिल सवारों ने इन पर फायरिंग कर दी है। गोली हालांकि तबरेज राणा को नहीं लगी, हमले में बाल बाल बचे हैं, लेकिन दोनों गोलियां गाड़ी में धंसी हैं और कई राउंड हवा में फायरिंग करते हुए वो लोग भाग गए हैं। जिस मामले में उन्होंने अपने ही परिवार के चार पांच लोगों को नामजद करते हुए तहरीर दी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ओम शंकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मुनव्वर राणा के बेटे, हालांकि जिस तरह से जानकारी मिल रही है कि अपनी जमीन के मामले में खरीद फरोख्त के लिए वहां गए थे, जिसको लेकर ही वहां पर कुछ अज्ञात लोगों ने हालांकि उन पर कई राउंड फायरिंग की, जिसके बाद उसके खिलाफ तहरीर दे दी गई है। वहीं कानपुर देहात में मुख्य विकास अधिकारी अध्यक्षता में डीआरपी को सूचीबद्ध करने के लिए कुछ लोगों को बुलाया, 36 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था जिसमें से कुल 16 उपस्थित हो पाए। साक्षात्कार पैनल में मुख्य विकास अधिकारी के साथ डीडीएम, नाबार्ड और डीडीएम भी शामिल हुए। स्टेट ऑफिस से प्रतिनिधि के रूप में प्रोग्राम मैनेजर भी वर्चुअल तरीके से जुड़े थे। कानपुर देहात में जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में वृक्षारोपण समिति की बैठक हुई। इस बैठक में पौधारोपण के लिए गड्ढों की खुदान और क्विक कैप्चर ऐप के विषय पर चर्चा की गई। प्रभारी वनाधिकारी ने बताया कि इस साल पूरे प्रदेश में 30 करोड़ पौधे लगाए जाने हैं, जिसमें 4 जुलाई को प्रदेश में 25 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस साल जनपद का पौधारोपण का लक्ष्य 55,56,849 है। उन्होंने बताया कि नगर निकायों के द्वारा अभी गड्ढों को खोदने जाने की 80% रिपोर्ट दी गई है, जिसमें नगर पंचायत डेरापुर और मूसा नगर पीछे है। इस पर जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वृक्षारोपण के लिए गड्ढों की खुदान जरूर की जाए और सभी संबंधित अधिकारी भ्रमण कर गड्ढों को देख भी लें, इसमें किसी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रतापगढ़ के नगर कोतवाली क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। गाड़ी में रखे सामान पर शातिर चोरों ने अपना हाथ साफ कर लिया। चोरी किए हुए सामान को चोर ई रिक्शे से लाद कर बेचने की फिराक में थे, लेकिन चोरों की इस प्लानिंग पर लोगों ने पानी फेर दिया। लोगों ने दोनों चोरों को पकड़ लिया और चोरों की जमकर पिटाई भी कर दी। पकड़े गए चोरों की निशानदेही पर चोरी किए
बहुत से सामान बरामद कर लिए हैं। वहीं चोरों की पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिरोजाबाद में पुलिसकर्मी ने खाकी वर्दी को शर्मसार कर दिया। थाना फरिया की पीआरबी पर तैनात कर्मचारियों ने एक महिला के साथ दुष्कर्म किया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारी ने फौरन एक्शन लेते हुए आरोपी पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार ने एक्शन लिया। पीड़िता ने खैरगढ़ थाने में दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस अधिकारी ने एक्शन ले लिया। यस, एक महिला ने दरखास्त दिया कि उसके साथ गलत कार्य किया गया है। एक सिपाही पे आरोप था और उसके पति पे था, तो उसका FIR लिखा गया, उसकी जांच की गई, तो तथ्य इस तरह से सामने आए कि वो महिला उसका पति राजू और एक सिपाही है मनोज, ये PRB का ड्राइवर है। उन दोनों की अच्छी दोस्ती है। सिपाही ड्यूटी पे था 26 तारीख को रात 8 से सुबह 27 को 8 बजे तक था। कल 8 बजे के बाद वो फ्री हो गया था, ऑफ ड्यूटी था। उसकी ड्यूटी फिर आज से शुरू होती, तो कल वो सिपाही और उसका पति दोनों उस महिला से कहते हैं कि चलो तुम्हारे मायके को छोड़ना है। उसका मायका भी वहीं पड़ोस में ही है, 8-10 किलोमीटर पे उसी थाने में। उसे लेके चलते हैं। सिपाही की अपनी एक गाड़ी होती है वैगनार, खुद की है गाड़ी। उस गाड़ी पे उस महिला को बैठाते हैं, उसका पति बैठता है, दोनों लेके चलते हैं। नगला भवानी एक जगह पड़ती है, वहाँ सुनसान सा है, वहाँ पे गाड़ी रोकते हैं। पति उसका उतर जाता है, पति की सहमति थी उसके सिपाही के साथ, उतर जाता है। फिर वो जैसा कि बताती है गलत कार्य करता है और महिला को इस बात से नाराज़गी होती है, वो सहमत नहीं थी, कंसर्न नहीं थी उसकी, तो उसका पति फरार हो जाता है। फिर वो महिला दरखास्त देती है, उसके खिलाफ मुकदमा लिखा गया, पति के खिलाफ भी और सिपाही के खिलाफ भी। सिपाही को हमने निलंबित कर दिया है और गिरफ्तार भी कर लिया है, और बाकी जो प्रशासनिक या वैधानिक कार्रवाई है, उनका CDR लेना, उनका क्या संबंध है और कौन कौन से सिपाही और ड्यूटी पे थे PRB पे, हमारा ही उनका बयान लेंगे, इसको इस्टेब्लिश करेंगे। रामपुर के मिलक थाना क्षेत्र में दहेज का सामान लेने पहुंची महिला के साथ ससुरालियों ने मारपीट की। दोनों पक्षों में हुए मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मौके पर पुलिस भी पहुंची और दोनों पक्षों के कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। इस दौरान दोनों पक्षों में भी समझौता कराया गया। लखनऊ के हसनगंज में एक मकान पर हथगोले फेंके गए। तेज धमाके से इलाके के लोग काफी ज्यादा दहशत में आ गए। घटना के मामले में परिवार ने अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर दी। धमाके से आसपास के लोग भी अभी भी डरे हुए हैं। लोगों ने पुलिस को भी इस मामले की शिकायत की है। यह घटना हसनगंज के बाबूगंज के पास की है। तो हथगोले से लोगों में दहशत है। हालांकि ये किसके द्वारा फेंका गया अभी तक इसकी जानकारी नहीं प्राप्त हुई है, लेकिन लोगों के अंदर भय का माहौल है। कासगंज में कि हम आपको ये हसनगंज की घटना आपको बता रहे हैं। सोनभद्र के मेयोरपुर थाना क्षेत्र में नहाते समय तालाब में पैर फिसलने से दो मासूमों की दर्दनाक मौत हो गई। ग्रामीणों की सूचना पर थाना अध्यक्ष अश्वनी त्रिपाठी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने फौरन कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं थाना अध्यक्ष अश्वनी कुमारी त्रिपाठी ने बताया कि नहाते वक्त तालाब में डूबने से दोनों मासूमों की मौत हो गई। पीड़ित पिता रामजनक के तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम TV।